सर, जब हम लोगों ने ये फिल्म शुरू की थी तो ये सोच रहे थे कि एक कम बजट में एक अच्छी फिल्म कैसे बनाए हम लोग, तो हमें लगा कोई सोशल कॉज करें हम लोग, तब जाके एक अच्छी फिल्म मिल सकती है। तो हमें मालूम पड़ा कि ना, जब पेपर खोलो तो लिखा था सुसाइड, इसे सुसाइड किया, उसे सुसाइड किया, तो ये आइडिया इंद्र जी का था कि रविंद्र नाथ सुसाइड का पिक्चर बनाए। तो हमने सुसाइड का मजाक बनाने के लिए हमने इसको एक फिल्म बनाई, फटी पड़ी है यार। फटी पड़ी है यार का मतलब ये है कि जब भी हम चद्दर के आगे पैर फैलाते हैं हम लोग, तो हमारे लिए फिर ऐसा होता है यार फटी पड़ी है यार, मुंह से निकलता है। चाहे अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, जो चद्दर के बाहर पाँव निकालेगा कोई बात हो जाएगी तो कहेगा यार फटी पड़ी है यार। तो हमने उसको पकड़ा, उससे पूरी कहानी बना डाली हमने, और आज ये कहानी आप लोग हमारे साथ बैठ के देखेंगे। हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ हमने ये पिक्चर बनाई है, जिसमें इंद्र जी हमारे मेन लीड में हैं, कुलदीप सिंह जी हैं, इनको आपने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा, रंगून में थे, डॉन में थे, अभी थोड़े दिन पहले इनकी फिल्म आई है शान की आँख, काफ़ी हिट हुई है फिल्म इनकी अभी, और लाइन से 5-6 फिल्में हमारी फिल्म के साथ इनके बड़ी बड़ी कास्ट में आ गई इनकी। पलई भाभी हैं, ये इंद्र जी की वाइफ हैं। जब हमारी फिल्म बना रहे थे, जब पोस्ट में पिक्चर पहुंची, तो आप सबको मालूम होगा कि अचानक इंद्र जी हमारे को छोड़ के चले गए, तो उसके बाद भाभी ने भागदौड़ संभाली हमारे साथ, और पूरा आज जुड़ के हमारे साथ इस जगह पे हम लोग पहुंचे हैं। तो भाभी का थैंक्स है कि हम लोग आज मिलके इंद्र का सपना पूरा कर रहे हैं। पहले आप बताइए, आपने क्या खास वजह रही को प्रोड्यूस करें फिल्म को, क्या सब्जेक्ट अच्छा लगा, क्या वजह थी इसको? जब ये सब्जेक्ट एक्चुअली आया था इंद्र के पास, सो इट वॉज कम्प्लीटली हिज कॉल, उसको कहानी अच्छी लगी थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि वी वर एक्चुअली फ्रॉम बिफोर हैंड ओनली वी वॉन्टेड टू ओपन अ ओन प्रोडक्शन हाउस, सो ही सेड कि चलो इस बहाने वी विल ओपन अ प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो ऑन आर डॉटर्स नेम, तो इट जस्ट फॉलोड दैट वे, नथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट। पलवी मैम, इसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा कि एक जो सीन था हमने देखा था जिसको लेके बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, कहा जा रहा था कि उसके वजह से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम कि क्या वो सीन फिल्म का है या फिर सच में, मतलब इंद्र कुमार जी ने? सर, सच में होता तो फिर तो बहुत सारी सीने निकल जाती है। बट बेसिकली मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि ये पिक्चर जब से शुरू हुई एंटिल हिज डेथ, इससे काफ़ी नेगेटिव ही मिला है, बट इट वॉज अ सीन ऑफ द मूवी, एंड यू नो आई थिंक प्रेम जी विल आंसर बेटर, बट मिसफॉर्चून हो गया, बट आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी टू इट, एंड यू नो एवरीबडी डिक्लेयर्ड इन दैट टू बी सुसाइडल, एंड यू नो इट वॉज इफेक्टिंग मेजरली, इट वॉज इफेक्टिंग द फैमिली अलॉट, क्योंकि नो इट बहुत मेहनत लगती है इज्जत कमाने में, और एक छोटी सी गलती की वजह से सारी इज्जत अगर पानी में चले जाए आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन, सो इट्स वेरी डिप्रेसिंग, सो दैट एक्ट वॉज रियली रियली वेरी नेस्टी, एंड वी हैड टू गो थ्रू अ लॉट, सो इट्स अ सीन यू विल सी द सीन इन द मूवी। और आज मालूम पड़ेगा आपको कि ये जो कैरेक्टर उन्होंने किया था, वन टेक शॉट है उनका ये, वो किस लेवल का कलाकार था आज हमको मालूम पड़ेगा जब आप फिल्म देखेंगे। जब हम नवरस की बात करते हैं ना, नवरस कि हास्य रोना, भय पैदा होना, ये सब कुछ होना, आप फिल्म देखते रहेंगे ना, आपके अंदर भी 9 तरीके के रस अंदर अलग तरीके के आएंगे, कभी आप मुस्कुराओगे, कभी आप हंसोगे, कभी आप टेंशन में आ जाओगे, हो गया रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इंद्र कुमार के कारण। उन्होंने जो वैरायटी दी थी ना, अगर भगवान करे सच में अगर फिल्म अगर सही तरीके से रिलीज होती है, सब कुछ अच्छा मिलता है हमारे को, तो कोई शक नहीं है कि इंद्र अवार्ड लेके जाएगा फिल्म के लिए। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगी कि वो सीन लीक हो गया, उसी को प्रूव करने के लिए आई डिड नॉट गिव अप, दैट वाज द मेजर रीजन व्हाई आई वांटेड टू रिलीज दिस मूवी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर मोहन सचदेव हु केम फॉरवर्ड, एंड ही इज ऑल्सो अटैच टू दिस मूवी बिकॉज ऑफ द इमोशनल अटैचमेंट ही हैड विद इंद्र फ्रॉम बिफोर। सो आप जानते हो इस इंडस्ट्री में कितना चैलेंजिंग होता है, जब मेन स्टार ही गुजर जाए तो यू नो पब्लिसिटी कैसे करेंगे सब कुछ, तो एक दाव खेलता आदमी, तो वो इमोशनल बेस पे उस आदमी ने कुछ भी नहीं सोचा, बोला चलो मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं पिक्चर रिलीज करता हूँ, जो होगा देख।
देखा जाएगा. सो यू नो hats off to that person yes who came forward. Otherwise I don't have any hold in the industry where I can go and force people ki bhai ye mere husband ki last movie aap isko release karo after so much of negative publicity he got from that scene. But I think Inder is watching me from somewhere and Mohan ji is a messenger jo aaye aur he's taken the responsibility. So now I only request the audience that you know just keep this in mind that that person is gone and appreciate his work because usne bahut mehnat ki hai and completely dusra avatar hai. Aapne Inder ko six packs ke sath dekha hoga, aapne Inder ko chocolatey hero dekha hoga, lekin ek performance jisme na body hai na looks hai na costume hai na kuch hai, the only thing which talks in this movie about him is his acting. So marvelous and I wanted the world to see this because aaj ke din bhi Inder ke bahut sare fans hain jo mujhe Facebook pe messenger pe messages bhejte hain, ma'am aapne bahut pehle bola tha fatti padi hai yaar aa rahi hai kab aa rahi hai kab aa rahi hai. Now if you check my profile there everybody is excited to watch the movie. So let's just keep our fingers crossed and his character is mind blowing. Just take you to another level of laughter. So you know I want you guys to concentrate on his character also. मैं भी खुश नसीब हूँ इस मामले में कि जैसे इस फिल्म में इंद्र कुमार की एंट्री हुई और जब मैं उनको छेड़ जाता था कि सर आपको ये करना है और जब परफॉर्म करता था ना तो मैं ऐसा रो जाता था कि यार ये क्या खतरनाक एक्टिंग कर रहा है, क्या काम कर रहा है ये. तो उस बंदे आज अगर आप फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि क्या मैंने अच्छा डायरेक्शन दिया है. नहीं, उस बंदे की खूबसूरती है, उसने जो कमाल का काम किया है और उससे उस चक्कर में आज मेरा नाम हुआ कि आपने क्या अच्छा डायरेक्शन दिया. और ऐसे ही कुलदीप सरीन जी हैं जिन्होंने फिल्म में बहुत अच्छा करेक्टर किया है. आप देखोगे तो एक हिलेरियस नए तरीके का करेक्टर निकला इनका. शायद ये फिल्म रिलीज होगी तो इनका नाम जो कुलदीप सरीन है वो लोग बदल के जो फिल्म में नाम है इनका गुलाटी शायद लोग गुलाटी गुलाटी बोलना शुरू कर देंगे कल से लेके इनको. सर बताइए किस तरह का किरदार है और क्या कुछ. बहुत मज़ेदार किरदार है. मतलब ठीक है, स्टेट एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर आदमी है, वो बैक ऑफ द पीछे है, बट फिल्म के अंदर दिखता है ओनर है, मकान का मालिक है जिसका इंदर के साथ में कुछ. आपने भी अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर ऐसा किया ऐसा ऐसा रोल मैंने आज तक इस तरह का आज तक रोल इस तरह का किया नहीं है. और चांस की बात है, चीज़ें टीम एक्चुअली आपको बहुत इंस्पायरिंग मिल जाती है. डायरेक्टर आपके साथ होते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं कि आप अच्छा काम करिए. तो वो एक ट्यूनिंग बन गई थी इंदर के साथ में, डायरेक्टर के साथ में, तो एक हेल्दी माहौल में आप फिर बेहतर काम करते हैं. तो वो एक करने की कोशिश की तो चीज़ें अच्छी हो गई. और अच्छी बात है कि क्योंकि कॉमेडी फिल्म के अंदर अगर टाइमिंग के ऊपर सही शॉट लग जाए तो वो सिक्स ही लगता है. तो वो शायद ऐसा हो गया. तो जैसा कि ये कहते हैं काफ़ी सारे शोज़ किए इन्होंने तो आउटपुट जो ऑडियंस का आया वो थोड़ा सा ठीक ही आया. और मेरे लिए अच्छी बात है कि ठीक है, कॉमेडी बहाने आज तक किया नहीं था फिल्म में. इसके अलावा सलमान जो है इनके बहुत अच्छे दोस्त रहे, बिग बॉस चल रहा है, इस पिक्चर से और कोई प्रमोशन की बात नहीं है. जैसे मैंने आपको कहा प्रमोशन हाई लेवल पे तब की जाती है जब मेन कैरेक्टर जिंदा रहता है. तो अगर मैं चाहती भी तो मैं वहाँ जा सकती थी, ये जा सकते थे, पर हम जाके बोलते क्या, दो लाइनें बोलते वापस चले आते. तो उस तरीके का था नहीं. जैसे मैंने आपको बोला वी हैव टेकन अ वेरी बिग रिस्क टू गेट दिस मूवी टू द स्क्रीन. सो यू नो हम उस लेवल पर जाना भी नहीं चाहते थे एंड यू नो आई हैव केप्ट दैट अवे फ्रॉम दिस फिल्म. ये इंटायरली डिफरेंट सेटअप है एंड सलमान भाई हैज गॉट नथिंग टू डू. एक चीज मैंने कुछ इन्हें शुभकामनाएं दी आपको उस फिल्म की. उनकी शुभकामनाएं सर हमेशा ही मेरे साथ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ करूँ ना करूँ हमेशा साथ ही है. गाने इसमें पांच गाने हैं. एक हमारा जो प्रमोशन सॉन्ग था जो हमारे को इंदर जी के साथ ही करना था, तो सच्ची बात तो यह कि वो लेवल पे हम पहुँचने वाले थे कि हम किस लेवल में जाके उसको शूट करने वाले थे, लेकिन अचानक भाभी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो वो प्रमोशन सॉन्ग हमारा हो नहीं पाया. लेकिन फिर भी हमने उसे ट्रिब्यूट देते हुए
गाने को रखा है फिल्म के अंदर, जो लास्ट में टाइटल्स में चल रहा है या शुरू में चल रहा है वो, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस गाने को कल परसों तक मेकिंग के हिसाब से बना के ना एटलीस्ट हम लोग मार्केट में लेके आ जाए, जिसमें इंद्र के बारे में मालूम पड़े कि यार क्या, मतलब एक ही गाने में मालूम पड़ जाएगा कि वह यार क्या कमाल का काम किया उन्होंने। तो पांच गाने हैं, पांचों एक रोमांस वाले गाने हैं जो हमारी तीन हीरोइन थी उनके साथ गाने हैं, और बहुत खूबसूरत प्यारे मेलोडी वाले हैं। आज आप देखेंगे फिल्म तो आपको शायद गानों को बहुत सुकून मिलेगा। म्यूज़िक अच्छा है, सॉन्ग अच्छे हैं इस फिल्म के, बस वही वाली बात है। और अभिनेत की जब जो बात आप लोगों के सामने आ रही है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपलिसिटी के साथ में उन्होंने, इंद्र जी ने काम किया है। मतलब आज उनके बिना सचमुच बहुत अधूरापन सा लगता है। आज वो नहीं है इंद्र, as he said, all the three ladies in the movie, they have worked really hard. मतलब it was all new to them, but वो effort होता है ना, effort कैसे लड़ाते हैं, किस चीज को कैसे deliver करते हैं, because हम लोग सब कोई इतने span of time में काम कर रहे थे क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये picture इतना large scale पे चली जाएगी। सब कुछ है, and everything was falling in place. So when these three ladies walked into the movie, they gave their best, and वो आपको दिखेगा screen पे। मतलब बहुत honestly काम किया है। इसके अलावा कितने emotional होते हैं जब इस तरह, मतलब फिल्म भी सामने आ रही है और इंदर जी की यादें फिर से सबकी नजर में ताजा होने वाली है, तो कितनी इमोशनल चीज है ये आपके लिए स्पेशली? बहुत इमोशनल है, बट मैं एक ही फैक्ट से बहुत खुश हूँ कि जब मैं ये देखती हूँ कि आज भी लोग इंदर को मिस करते हैं, तो थोड़ी मेहनत ही लगी लेकिन फाइनली आई कुड गिव व्हाट हिज फैंस वांट, क्योंकि ये लास्ट मूवी थी और बहुत इमोशनल भी था और बहुत चैलेंजिंग भी था। पर पहले मैंने सोचा था कि नहीं हो पाएगा, बट देन कहते ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज आती है, सबका सपोर्ट आ जाता है, हर चीज टाइम पे सही जगह पड़ जाती है। हमको लग ही नहीं रहा कि इंदर हमारे साथ नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। वो आज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि सिगरेट पीने के साथ बाप खड़ा होगा, वापस आने वाला है अभी, तो अभी तक हमारे लिए वो मेमोरी है, हम उसको अंदर ही खुश है कि नहीं इंदर हमारे आसपास ही है। इम्पोर्टेंट बात ये कहते हैं कि भाई इंसान की आखिरी जो ख्वाहिश होती है, इंदर की आखिरी फिल्म थी, उन्होंने एक से एक फिल्में की हैं, एक से एक ज़बरदस्त फिल्में की हैं, सारी सुपरहिट फिल्में हैं, सब लोग जानते हैं, पूरी ऑडियंस जानती है, उनके फैन फॉलोअर्स इतने, लेकिन इंदर आज हमारे बीच में नहीं है। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से सारे व्यूवर्स को, सारी ऑडियंस को, सारे उनके फैन फॉलो करने वाले उनके सारे लोगों को, और इनफैक्ट इंडस्ट्री को कहना चाहता हूँ कि इंदर ने आज पूरी इंडस्ट्री में इतना काम किया है, सालों साल काम किया है, तो हमारी इंडस्ट्री प्लीज़ इंदर से अगर मोहब्बत करती है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें, और उसके जितने भी फैन फॉलोअर्स थे, इंदर को बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको तो लगेगा। आज हम भी, हमारे बीच में नहीं है वो, तो बहुत बुरी बात है। मैं तो बोलूँगी कि फैंस को थिएटर में जाइए, सीटी मारिए, पिक्चर देखिए और उसके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करिए, और लास्ट मूवी है तो इसके बाद शायद मतलब अब क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, जो पुरानी पिक्चरें हो जाएंगी उसी के थ्रू उसको देख सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम नॉट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। उसने एक्चुअली ऑलरेडी डेब्यू कर लिया है, शी हैज ऑलरेडी डन अ शॉर्ट मूवी कॉल्ड सनशाइन, इट्स अबाउट एन ऑर्फनेज चाइल्ड एंड शी इज प्लेइंग दैट ऑर्फनेज चाइल्ड हु इज एन एचआईवी चाइल्ड ऑल्सो, एंड इट जस्ट केम अलोंग हर वे, एंड आई थिंक शी इज टैलेंटेड लाइक अ फादर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट देन शी इज वेरी नेचुरल, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो ऑन यूट्यूब एंड टाइप सनशाइन एंड वॉच माई डॉटर एज वेल। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आई गेस डेब्यू करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बताइए अपने किरदार के बारे में और बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का एक एक करने इस मूवी में। थोड़ी यार में मेरा नाम अंजना दास है और इसमें हम तीनों फीमेल ही वन ऑफ द लीड है, आप कह सकते हैं सपोर्टिंग में वन ऑफ द लीड, क्योंकि हम तीनों का मेजर रोल है उसमें। तो उसमें मैं एज अ स्कॉटवेल बनी हूँ, तो इट इज
से सर काम करा, अच्छा लगा और बहुत ही कंफर्टेबल, बिकॉज जो हमारे सीन है वो अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि मे बी शायद कोई और एक्टर होता तो उसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते थे, बट इंद्रजीत इतना कंफर्टेबल करते हैं वो सीन करा, सो अच्छा लगा काम करके और सूरी जी को गुड लक। जब मैंने ये मूवी करी थी सो इट वॉज नॉट लाइक माई डेब्यू मूवी, दैट वॉज माई थर्ड मूवी। जब ये मूवी करी थी तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो खुद में ही एक बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अलग अलग चीज़ों पर मूवीज बनती हैं, बट जैसे कि वी आर एस्पायरेंट्स एंड वी रियली वॉन्ट टू बिकम अ गुड एक्टर इन इंडस्ट्री, और जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं काफ़ी नई थी, तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट ही बेस्ड था एक्टर्स की लाइफ में, तो सबसे पहले उस स्टोरी ने मुझे अट्रैक्ट किया। दूसरी बार ये तो होता है जब आप कानों से कोई चीज़ सुनते हैं, दूसरी चीज़ आती है आपकी आँखें, जब आप लोगों से मिलते हैं और किसी के रूबरू होते हैं तो आपको इंसान का व्यक्तित्व पता चलता है बात कर कर, क्योंकि इंदर जी को हमेशा से बचपन से स्क्रीन पे देखा था, उनकी फिल्में इतनी फेमस थी, उनके गाने इतने फेमस थे, एंड वंस यू गेट अ चांस टू वर्क विद एन एक्टर दैट यू हैव सीन इन योर चाइल्डहुड तो ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग होती है। फिर मैं पूरी टीम से मिली, डायरेक्टर से मिली, प्रेम सर उनके साथ में पहले एक मूवी कर चुकी थी तो एक कम्फर्ट जोन था, आई रियली वॉन्टेड टू वर्क इन दिस मूवी, और पल्लवी भाभी पूरा हमारे सेट पे एक फैमिली एनवायरमेंट पूरा क्रिएटेड रहता था, प्रोड्यूसर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स मतलब कुछ ऐसा नहीं था, वी वर वर्किंग वेरी प्रोफेशनली, बट दो इन ऑर्डर टू यू नो टू बैलेंस द मूड एंड द फील सो फैमिली एनवायरमेंट वॉज देयर। तो ये मूवी ऐसे तो अपने आप में बहुत खास थी ही, और सब इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, हमारी मूवी रिलीज में थी बट लाइक अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सडन डिमाइज ऑफ इंदर कुमार जी थोड़ा वक्त लग गया रिलीज करने में, तो अभी इसलिए और स्पेशल बन जाती है क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म है, एंड लाइक आर एंटायर टीम मेंबर्स वी हैव गिवन आर लाइक लेवल बेस्ट एज फार एज दी हार्ड वर्क इज कंसर्न, वी हैव पुट आर हार्ट्स, बहुत मोहब्बत और बहुत खुलूस से पिक्चर बनाई है, तो ये बहुत स्पेशल है और आज इतने दिनों बाद ये स्क्रीन पे आ रही है, सो ऑफकोर्स बटरफ्लाइज आर देयर, एक्साइटमेंट इज देयर, तो ऑफकोर्स दिस इज अ वेरी स्पेशल मूवी फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू। वेल ये मेरी भी थर्ड मूवी है ऑनेस्टली, आई वॉज देयर इन खिचड़ी एक मूवी जो आई थी पहले, उसके बाद पैसा हो पैसा आई थी जो कि तमिल डब थी, जो हिंदी डब होकर आई थी थिएटर्स में, दिस इज माई थर्ड मूवी, बट दिस इज रियली स्पेशल फॉर मी एज यू नो आई वॉज वेरी स्मॉल, आई थिंक आई वॉज अ किड व्हेन आई सॉ इंदर्स फर्स्ट मूवी मासूम, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड हिज वर्क एंड आई लाइक्ड हिज वर्क सो मच, आई वॉज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, कंग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ, हम लोगों का कुछ अलग ही सोलफुल रिश्ता हो गया है, आखिरी होली इंदर के साथ में बिताई थी, हमने साथ में बिताई थी, टुलिप स्टार में हम लोग सब साथ में गए थे और बहुत मस्ती की थी, और इंदर इतना फुल ऑफ लाइफ, इतनी जानदार इंसान, और आई हैड्स ऑफ टू हर, फिल्म तो है ही, फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म अच्छी है कि नहीं है, इंदर की आखिरी फिल्म, और जो भी इंदर के चाहने वाले हैं, जो इंदर से प्यार करते हैं, वो एक बार ज़रूर देखेंगे, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट
इस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई है एक अपने प्यार को, अपने सुहाग को, अपनी जान को किस तरीके से समेट समेट कर, जोड़ जोड़ कर ये पिक्चर थिएटर तक लेकर आई है, दैट इज़ हैट्स ऑफ टू हर। फिल्में बहुत बनती हैं, बहुत रिलीज होती है, हिट होती है, फ्लॉप होती है। आजकल का जो OTT मीडियम्स हैं, इतनी सारे प्लेटफॉर्म में, इतने सारे एपिसोड, इतनी सारी वेब सीरीज आप लोगों के पास में, दर्शकों के पास में बहुत चॉइस है चीज़ें देखने के लिए, पर यहाँ पर क्या है ना, भावना है। इट्स अबाउट इमोशंस, इट्स अबाउट कलेक्टिव जॉइंट एफर्ट्स। तो आपको, आप प्यार करते हैं तो एक बार जाके थिएटर में ज़रूर देखिए। स्ट्रांग पॉइंट तो ऐसा है कि सबसे पहला तो एनर्जी जो, जिससे मैं पर्सनली अटैच था, पर्सनली एनर्जी से काफ़ी अटैच था मैं, और उसी का जब उसकी लास्ट फिल्म थी तो एक मन में, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटर के मन में सॉफ्ट का आना आ गया कि पहले ये मुझे फिल्म एनी हाउ पब्लिक तक पहुँचानी है, दैट्स वाई आई चोज। अराउंड 100+। सर, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या खास बात लगी आपको, थोड़ा सा इस बारे में बताइए, और कितना स्पेशल है स्पेशली आपके लिए? डेफिनेटली एक सब ये एक किसी परिचित की फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करना और उन तक पहुंचना, पब्लिक तक पहुंचाना, ये तो अपने आप एक अपने खास बात है। तो इसके लिए कोई विशेष उसके लिए जरूरत नहीं है, किसी पॉइंट की जरूरत नहीं है उसमें। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह का सपोर्ट मिला है टीम से, उससे कितनी खुशी होती है? सर, विदाउट टीम तो कोई काम ही नहीं हो सकता। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर ये मूवी थिएटर तक पहुंच रही है, एक होता है कि हाँ ठीक है, यू मेड द फूड, यू मेड एवरीथिंग, बट उसको खाने तक पहुंचाने तक तो सबसे बड़ा रोल तो इनका है, एंड इनके बिना तो ये हो ही नहीं सकता, दैट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इंदर की लास्ट फिल्म है, लास्ट फिल्म है, प्लीज स्टॉप सेइंग दिस, यू नो, इंदर हमेशा पर्दे में हम सबके लिए साथ में ही रहेगा, और वो हमेशा साथ में है, एंड इंदर एंड पल्ला इज़ लाइक अ फैमिली टू मी, एंड आई जस्ट केम फॉर हर, एंड इट्स फ्रॉम अ वेरी हैवी हार्ट। मुझे इसलिए ये बात सुननी नहीं है कि लास्ट फिल्म है, लास्ट फिल्म है, इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी एंड इट्स वेरी स्पेशल फॉर हर। एंड ऑडियंस से भी मैं यही कहूँगी कि इंदर ने बहुत मेहनत की है फिल्म बनाने के लिए, एंड मेरी आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ पल्लवी एंड ऑल एंटायर टीम कि उन लोग ने फिल्म कंप्लीट की और फिल्म रिलीज़ की, जो इंदर की बहुत ही ख्वाहिश थी ये करने के लिए, बिकॉज आई नो लास्ट दिवाली में हम लोग जब साथ में थे वो बस ये पिक्चर की बात किया जा रहा था। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स कम्प्लीटेड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी बॉडी हु इज इन्वॉल्व इन दिस। एंड मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जाके पिक्चर देखिएगा ज़रूर, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है, ऐसे भी बहुत लगती है, बट इन्होंने बहुत मेहनत की, आई नो। सो जस्ट टू सपोर्ट देम, जस्ट टू सपोर्ट इंदर के लिए, जो इंदर के फैंस हैं, ये फिल्म जाके जरूर 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 देखें। तो इंदर सर के जाने के बाद जिस तरह का एफर्ट पल्लवी मैम और सर ने लिया, उस एफर्ट के लिए क्या कहना? मैं वही कह रही हूँ ना, इट्स प्राइसलेस, यू नो, मुझे पता है कि उसको कितना इमोशनली वो गई होगी। क्या है कि ये अभी वेरी इमोशनल हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली कभी जुड़े ही नहीं, हम लोग हमेशा पर्सनली जुड़े, और इंदर और मेरी तो मतलब लाइक शी इज, मुझे क्लोजेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फ्रेंड यू कैन से, और आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू आर हियर। आई एम जस्ट सेइंग हैट्स ऑफ टू देम, दे कंप्लीटेड। मुझे पता है जब मैं फिल्म की डबिंग करती थी और मैं जब इंदर को मेरे साथ स्क्रीन पे देखती थी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, तो ये कैसे रहती है, गॉड इज़ देयर विथ हर, हर फ्रेंड्स एंड एवरी फैमिली सपोर्टिंग हर। मैं बहुत कम मिलती हूँ, बट माई प्रेयर्स एंड माई विशेज ऑलवेज विथ हर, एंड ब्रावो एवरीबॉडी, कंग्रेचुलेशंस, एंड प्लीज़ प्लीज़ गो एंड वॉच दिस। बिल्कुल सच कह रही है दीपिका जी, अभी जो मैं बात समझ में आ रही है ना, ये आ रही कि जब इंदर की डेथ हुई तो हमको ऐसा लगा कि शायद जो दुनिया कहते हैं अब पिक्चर कौन देखेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, हम ठंडे पड़ गए थे। और पल्लवी मैम उठा के भागे बोलती थी, नहीं ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो हमें डर लगता था कि यार पल्लवी मैम का फ़ोन आएगा, ये काम कर लें, ये काम कर लें। तो जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े ना, तो आज हम उसका नतीजा ये देख रहे हैं कि हम खड़े हो गए, बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं थैंक्स बोलूँगा पल्लवी भाभी का दिल से कि शायद इंदर
इनके मुंह में बात डाल के हमको बोलता था कि पिक्चर पूरी कराओ और देखना ये पिक्चर 100% हिट होगी। थी उसको करनी थी और पल्लवी ने वो कंप्लीट की, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, एज अ फ्रेंड मुझे इतनी तकलीफ होती थी, तो वाइफ होने के नाते उस पे क्या गुजर रही होगी वो ही जान सकती है। बट आफ्टर दैट आल्सो शी कंप्लीटेड, इट्स फैंटास्टिक। इंदर के जाने के बाद मेरा बस दो ही एम था, जो आई गेस अगर हर वाइफ का एम होता है वैसे ही, अगर इस सिचुएशन में अगर कोई और भी होती मेरे जगह पर तो वो भी वही करती, क्योंकि जो चीज़ है वो दो ही चीज़ अधूरा छोड़ के चला गया था। एक जो वो बहुत प्रेशराइज रहता था, जो अनवांटेड केस उसके ऊपर हो गया था, तो जनरली अकॉर्डिंग टू द लॉ आप जानते हो कि अगर डिमाइस हो जाता है तो केस फॉरवर्ड नहीं होता, इट इज़ शट केस। लेकिन आई हैड प्लीडेड इन फ्रंट ऑफ द जज इन सेशन कोर्ट कि भाई आई एम स्टिल अलाइव एंड दैट इज़ नॉट ट्रू व्हाट हैज़ हैपेंड। सो आई वेंट टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से वहाँ से भी क्लियरेंस मिल गई। सो दैट वॉज वन एम ऑफ माइंड एंड द अदर वॉज दिस मूवी। सो विच ऑब्वियसली लास्ट मूवी अगर ऐसे डब्बा बन के रह जाती तो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ में सोचती कि काश थोड़ी ही मेहनत कर लेती तो शायद हो जाता। तो करते गए करते गए करते गए, सब एक दूसरे को धक्का मारते गए, यहाँ मत गिरो वहाँ मत गिरो। चैलेंजिंग बहुत था, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि लोग बोलते हो भगवान से प्रे करो तो हो जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी जाके वहाँ बैठा हुआ है, तो वहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि भाई अब तुम लोग को ये करना ये करो, देखो मैं आऊँगा पर्दे पे जरूर। तो और जो इंदर के फैन है, जो जेन्युइनली फैन है, उनको तो ये फिल्म जाके जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज टेक्निकली दिस इज इंदर्स एज अ परफॉर्मर लास्ट फिल्म। उसकी बहुत सारी फिल्म हमेशा हमारे साथ रहेगी, बट यू ऑल मस्ट शुड गो एंड सी दिस। और मैम सच्ची बात बताऊँ तो मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि अगर ये फिल्म सच में कोई ध्यान से देखेगा ना, तो जो बच्चे नए आने वाले हैं इंडस्ट्री में, ये फिल्म देखेंगे ना और ऐसा परफॉर्म करके दिखाएंगे तो उनको इंडस्ट्री में आना चाहिए, नहीं तो नहीं। एक तरीके से ये एक कैप्सूल है कि इंद्र की एक्टिंग देखो, उसकी तरह काम करके दिखाओ, तब इंडस्ट्री में आओ, नहीं तो घर बैठ के दूसरा काम शुरू कर लो। तो इस तरीके की लाइब्रेरी में पिक्चर जाने वाली है, ऐसा हम फिंगर क्रॉस करके बैठे हैं कि ऐसा होने वाला है। इंद्र इज फैंटास्टिक एक्टर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड फ्रेंड। मेरी फिल्म में भी उसने बहुत अच्छा काम किया, आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर इस फिल्म में भी। ये घर की पिक्चर थी, ये भी एक घर की पिक्चर है, तो ऐसे ही आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी। नो रिक्वेस्ट, यू मस्ट गो एंड वॉच। जाओ सिटी मारो, एंजॉय करो, मस्ती करो मूवी में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, कितनी स्पेशल है ये फिल्म, कितनी इमोशनल है आप, और थोड़ा सा बताइए। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग द फिल्म। Many, many congratulations, mainly to Pallavi, because I don't think without her effort, this film could have seen the light of day. And आज आई वॉज जस्ट टेलिंग एक थिएटर स्क्रीनिंग बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टुडेज डे देयर सो मेनी अदर, टू गेट अ थिएटर रिलीज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड फॉर इंदर पास्ट अवे यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक टू एंड हाफ ईयर्स, सो इट्स इवन मोर डिफिकल्ट, बट इट इज सो नाइस दैट शी इज मेड ऑल द एफर्ट टू गेट द फिल्म आउट। एंड यू नो शी सेड आई डोंट केयर वेदर इट्स अ हिट और अ मिस और अ फ्लॉप और व्हाटएवर, इट इज माई डिस्ट्रिक्ट। एंड यू नो मेरे लिए बहुत ही पर्सनल है, क्योंकि आई न्यू इंदर एंड आई न्यू पल्लवी एंड माई सन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इंदर, एंड ओम जी वेन ही पास्ड अवे 6 months लेटर इंदर ऑल्सो पास्ड अवे, सो दैट वॉज वेरी ट्रॉमेटिक बिकॉज बोथ ऑफ अस वेंट थ्रू द सेम यू नो ट्रामा, वी स्टिल गोइंग थ्रू बिकॉज यू नो यू कांट, बट आई कैन सी वॉट it is and I'm enjoying the film. So it is an emotional journey. Big yes, emotional yes. journey. We are always there for each other because you know whenever some occasion comes like Om Ji's birthday comes or her birthday comes, anniversary comes, we keep congratulating each other and celebrating together. So we are very connected. Because you know we lost our husbands within 6 months of each other. Yes. And Indra had come when Om Ji had passed away, and then 6 months later it was a shock. You know I couldn't even believe it. It was so difficult, but it is very difficult with children around when you're bringing them up without their father, and of course, but I have started but the Om Puri Foundation. Whenever I used to feel hopeless about this movie, she used to tell me, "Nahi, you can do it. Absolutely. Don't give up so easily, you know." So she was always there like a guided angel of mine. No, it has to be, and you will take it further. And
and you will do better things. Now with Inder's blessings and Swana Creations, go ahead and do something. Yes, better. Yes. Thank you so much. अभी देखिए फटी पड़ी है तो आजकल की जिस माहौल में चली हुई तो हर एक इंसान की फटी पड़ी है, हर एक मामलों के अंदर फटी पड़ी, इंटरटेनमेंट से लेकर बहुत सारी चीज़ों में इंसान की फटी पड़ी। और फिल्म हमने अभी स्टार्टिंग देखी है और रंजना जी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इसमें, लीड हीरोइन है और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ऑलमोस्ट विशेष देने के लिए इस फिल्म के लिए आया हूँ स्पेशल, ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो और इंद्र कुमार जी इस बहाने फिर हमें याद आ जाए। वो बस यही बोलूंगी कि आप लोग प्लीज थिएटर मूवी देखिए क्योंकि प्रीमियर तो हमने देख लिया है, सो मूवी समझ पा रही है, आप थिएटर में जाइए और देखिए। और हम कहते हैं कि आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे, मीडिया से हम लोग बने हैं तो बस यही चाहते हैं कि आप हमारे भी फ्यूचर में दुआ करो कि मेरी भी 2020 में दो फिल्में दोनों मिलकर रिलीज हो जाए। और बहुत मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं ताज में पार्टी हो, सबको सच मेरी है ये बोल के जा रही हूँ और आपने सब मिल, चलो ओके बाय बाय। फिल्म है कितनी मेमोरेबल होने वाली है, कितने एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए? सबसे पहली बात आज यहाँ पर हमारे इंदर होता हमारे साथ, बहुत खूबसूरत होता और ये आज तक समझ नहीं आया कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब इंसान यहाँ होता तब कुछ लोगों को वैल्यू नहीं होती है, जब वो चले जाता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, ये हकीकत है दुनिया की। और टाइटल है फिल्म का फटी पड़ी है, ज़िंदगी की हकीकत में बहुत सारी चीज़ों से फटी पड़ी है, प्याज का रेट 120, 140, 150 फटी पड़ी है, बजट का रेट दाले का भाव फटी पड़ी है, इंसान ये जब जस्टिस लेनी होती है तो चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के आप लोग के मीडिया के माध्यम से मदद से कहना पड़ता है जस्टिस दो, फटी पड़ी है। तो बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं ज़िंदगी की जिसमें फटी पड़ी है। रहा सवाल बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड के नाम पे सब अपना राशन अपनी रोटियां सेकते हैं, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे वो किसी का भी मुद्दा हो, बॉलीवुड का नाम अटैच करके अपना टीआरपी, अपना आपका प्रचार, सो इट इज़ द रीज़न दिस इज़ ग्लैमर वर्ल्ड और सबको ग्लैमर में आना है, शोबिज है ये, इसलिए ये कहा जाता है शोबिज ग्लैमर। इंदर को बहुत याद करते हुए मैं सिर्फ इंदर के लिए और पल्लू के लिए यहाँ आई हूँ, उनकी मिसेस के लिए, आज भी यकीन नहीं होता कि इंदर हमारे बीच नहीं है, एक अपने आप में एक कहीं ना कहीं एक जाके एक दुख ऐसा भी होता है कि क्यों नहीं है, आज वो हमारे पास क्यों नहीं है। इंदर को हमेशा बहुत काम करना था, इंदर को हमेशा बहुत मेहनत करनी थी, इंदर को हमेशा अपनी बीवी अपने बच्ची को बहुत खुश रखना था, इंदर को पल्वी रोना नहीं मैं बात कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट क्राई बिकॉज ये दिस इज़ अ रियलिटी, तो मैं नहीं चाहती हूँ तुम ये मोमेंट इसको हम उनकी एक मेमोरेबल एक प्यार वाली उसमें कहकर हम बात करें, ना कि हम उनको हम रोएं कि उनको भी जाके उनको भी दुख ना हो, उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले और वो हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहें। और आप लोग सभी का प्यार और मीडिया से ये विनती है कि जितना हो सके आप उनकी मिसेस को इंदर के प्रोजेक्ट को ये उनकी एक आखिरी प्रोजेक्ट जो था उसको जितना आप इसको हाइप कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये सभी के एक सोशल नेटवर्क में बोले या कहीं भी बोले जितना प्रचार हो कम है, क्योंकि एक यादगार एक भाई के बच्चे की जो हमारा इंदर भाई था हमारा तो नहीं रहा, तो उसकी एक यादगार आप लोग की तरफ से एक उनके लिए प्यार पेश हो जाए ये कहना चाहूँगी। गौरी जी इसके अलावा बहुत कम मिलते हैं हमें, तो बिग बॉस अभी चल रहा है क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही है बिग बॉस में आप लोगों के सीजन में बहुत कम हुआ है कि किसी ने पुश किया हो या फिर ऐसा कुछ, मतलब वायलेंट हम लोग जबानी पुश करते थे, हमारे जबान और हमारी आंखों से हम बात करते थे और डर था और इज्जत से कितने प्यार और इज्जत से बात करते थे हम सीजन 4 में, यहाँ ज्यादा प्यार और ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट? सिद्धार्थ शुक्ला हमारे फेवरेट है, शहनाज गिल हमारी फेवरेट है। और आपका प्रश्न ना हो उसके पहले मैं जवाब देना चाहूंगी, मैं चाहती हूँ
ये लड़ाई ट्रॉफी की लड़ाई है शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की, और आसिम पीछे पीछे रेस में भाग रहे हैं। और कुछ मैं बोलना चाहूँगी, डॉली दी और मेरा रिश्ता बहुत यूनिक वे में बना, क्योंकि जब वो मिस हैपनिंग हुआ था इंदर के साथ, ही वाज बिहाइंड द बार्स फॉर कपल ऑफ डेज, तो शी वाज द ओनली वन फ्रॉम द इंडस्ट्री हु केम फॉरवर्ड, शी डिडंट इवन नो मी, वो सिर्फ जानती थी कि हाँ इंदर कुमार एक हीरो है जो अरेस्टेड हो चुका है, एंड शी मेट मी। और मेरा और डॉली दी का रिलेशनशिप इसलिए भी यूनिक है क्योंकि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो आई ओनली रिमेम्बर हर नंबर, एंड आई नो इफ आई कॉल हर एट 3 AM ऑल्सो शी बी सेइंग क्या हुआ पल्लू, क्या 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 प्रॉब्लम है, एंड शी विल ऑलवेज बी देयर, यू नो। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरी पिक्चर का नाम भट्टी पड़ी है यार, क्योंकि डॉली बिंद्रा का जब भी नाम आता है ना सबकी भट्टी पड़ी है। सो शी इज माई वेपन जिससे हर कोई डरता है, एंड शी इज अ वेरी वेरी पावरफुल वुमन, बच के रहना। और मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, आज डॉली जी तो हमारे से सीनियर है, आर्टिस्ट हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं वो, और आज जैसे ही उन्होंने इंद्र कुमार जी के बारे में इतनी अच्छी यहाँ पर दिल से उन्होंने स्पीच दिया है, ये उन्होंने दिल से दिया है, और कहते हैं ना कि हर एक नारी बहादुर है, हर एक चीज़ों को लड़ सकती है, तो वो ना रह के भी हमारे बीच में ही है वो, क्योंकि इंडस्ट्रीज ये हम फिल्म में काम जब काम करते हैं और जब वो एक्ट्रेस में काम कर लेते तो वो अमर हो जाता है, हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, आज इंद्र कुमार जी बार बार नाम आ रहा है, उनको याद कर रहे हैं हम लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप तो बड़े बड़े इतने बहादुर हैं, और डॉली दीदी ने तो उनके बारे में इतना कुछ बोला, तो इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज हुए उनमें साथ में थे जो इन्होंने बोला, उन दिल से उनको श्रद्धांजलि दी है, और बहुत लव यू, थैंक यू सो मच, मुबारक हो आप सभी को, जितने कलाकार इसमें हैं, जितने जितने आर्टिस्ट हैं, अंजलि एक है यहाँ पर, अंजलि को बहुत बहुत मुबारक हो, अंजलि ने बहुत एक मुझे पता है एक इतना मतलब चैलेंजिंग रोल किया है, और इतना गर्म रोल है, जरूर देखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।